सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप साइंस एंड कंप्यूटर लैब, ऑल क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दे। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के नौपाड़ा परिसर में स्थित विरासत ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया कि उनके विरासत ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे सेल्समैन विशाल सिंह काम सिंह राजपूत ने विरासत ज्वेलरी शॉप से भारी मात्रा में सोना, जिसकी कीमत 1,30,00,000 रुपए थी, चोरी किया। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में जब मामला दर्ज किया गया तो नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सबसे पहले 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाला और उसमें पाया कि आरोपी 10 से ज़्यादा रिक्शे बदल चुका है। इसी की छानबीन करते हुए नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम माउंट टाबू पहुंच गई और उन्होंने वहां पर अपना भेष बदलकर आरोपी की तलाश में जुट गई। एक दिन नौपाड़ा पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी उदयपुर से माउंट टाबू आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी विशाल सिंह कांसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया और इसके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सोना बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 1,30,00,000 रुपये बताई जा रही। पुलिस स्टेशन द्वारा जो है भारी मात्रा में सोना रिकवर किया गया है। दूसरी घटना जब आपके माध्यम से रिकवर किया गया, कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया होता? जो चोरी की है विरासत ज्वेलर्स में विशाल सिंह राजपूत नाम के उनका जो एम्प्लॉय था, उसने ये चोरी की है। और वो जो है उनके दो ज्वेलर शॉप है, उसमें वो जो ज्वेलरी है वो ले जाने का काम करता था, उसी का उसने फायदा उठाया है और दुकान से 1,800 रुपया का सोना उसने चोरी किया। मैडम कैसे चोरी किया करता था वो, जो आप बता रहे कि मूवी के माध्यम से, कौन सी वो मूवी थी जो वो देख के इंस्पायर हुआ? नहीं, मूवी के माध्यम से उसने चोरी नहीं किया है। जब वो चोरी करके ले जा रहा था तो पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने मोबाइल जो है उसमें ट्रक में रख दिया था, जिन्हें उसके जो मोबाइल का लोकेशन है वो पुलिस को ट्रेस ना हो सके। इसलिए टोटल कितने कितने ग्राम का ये सोना है, कितना मूल्यवान हस्तगत किया? अभी तक हमने 1,845 ग्राम का सोना हस्तगत किया है। कितनी कीमत होगी मैडम आपके माध्यम से? ज्वेलरी शॉप वाले उनको क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से? दूसरी घटना नौपाड़ा के परिसर में अंदर इस तरह से घटना घटी है, तो ज्वेलरी वालों को क्या आह्वान रहेगा आपके माध्यम से? ज्वेलरी वालों को ये आह्वान रहेगा कि उन्होंने किसी एम्प्लॉय को काम पर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाए कि उसका कुछ बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यही वेरीफाई उन्होंने करना चाहिए।